अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। तो आइए आज एक अपना नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हमारे एग्जाम्स जो है वो फिनिश हो चुके हुए हैं और कल से जो है प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। तो इस वजह से हमने कॉलेज के अंदर जो है एक फंक्शन रखा हुआ है, हमारे लॉ मेट्स उनके साथ भी जो है मिलाएंगे और हमारा कॉलेज के अंदर किस तरह का जो है वो एनवायरमेंट रहा और हमने 5 साल यहाँ पर किस तरह एंजॉय किया वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ इस तरह के अब हम लोग जो है मार्केट आए हैं, यहाँ से हम खाने पीने के लिए कुछ चीजें ली हैं और ये सारे यहाँ पे आए हैं। ज्यादा भूख नहीं थी, इन लोगों ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया और ये भी जो है ना इसने बहुत ज्यादा जो है ना यार मेरा इंटरव्यू तो ले लो फिर। मैंने कल भाई वहाँ से जाके जो इंटरव्यू करेंगे कॉलेज जाके कुछ खा पी के इनकी किंग वालों की बिरयानी होती है, बिरयानी मजे की होती है लेकिन हमने लिया चढ़ गया। अच्छा गाइज आपने स्पेशल कमेंट से बताना की मैं कैसा लग रहा हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मांगवा पेंट कोट पहन दिया अपने से लेता था कोट मैं पाया। अब बाकी जो है ना हम आप लोगों को जो है वो चलकर कॉलेज में जो शुगर मेला लगाएंगे वो आप लोगों को वहाँ दिखाएंगे। तो चीजें खाने के लिए हमने ले लिया है, यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस लिया है बल्कि चरगा लिया है और अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं कॉलेज, वहाँ चल के जो है ना। आप फिर क्यों नहीं पहन के, पहले तो मुझे चीज बताओ ना जरा। हाँ शर्म आनी चाहिए हमें तो जो है ना हेलमेट खास तौर पे पहनना चाहिए क्योंकि अभी जो है ना कानून को अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ लोग फॉलो करेंगे। ओ माय गॉड, तस्वीरें उतारने के लिए क्या क्या पोज जो है ना बनाए जा रहे हैं। वाह और ये देखो जरा लुकिंग गुड। तो खाना हम लोगों ने खा लिया है और सो फाइनली द जर्नी ऑफ 5 इयर्स कम्स टू एन एंड। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जब मेरा पहला दिन था यहाँ पर तो मैं जब क्लास में एंटर हुआ तो जो एक लड़की थी बहुत टीचर टाइप लग रही थी तो बहुत जो है ना चला रही थी। मैं चुप करके जाके जो है ना बैठ के मैं क्या लगता है टीचर जो है ना फुल गुस्से के मूड के अंदर है। लेकिन आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज हुआ और पता चला कि लो जी ये तो खुद यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट है। और यहाँ पर जो है फोटो शूट का सिलसिला जो है वो जारी है और आईफोन का आपको पता है आईफोन से जो है वो फोटो शूट जो होता है इस वजह से जाते जाते जो है ना सारे अपनी तस्वीरें जो है ना खिंचवा रहे हैं। और ये शादीशुदा है इसलिए इसको जो है ना साइड पर उन्होंने खड़ा किया हुआ है। कोई मुंह नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा, शादीशुदा होना इस वजह से किसने फोटो देखनी है तस्वीरें खिंचवाते उसको पता किसी देखनी नहीं है इसीलिए ये सिंगल लोगों को होता है किसी को दिखाने के लिए काम आ जाती है। ये सिंगल सिंगल हूँ यार कसम से मुंह से देखो ये देखो बिल्कुल भी सिंगल नहीं है। ये एक एंड वाली जो होती है ना कैटेगरी उसको क्या कहते हैं अनलिमिटेड कैटेगरी जो है उसमें जो है देखा आपने लापरवाही का नतीजा ही कंसीडर हिमसेल्फ। मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने अपने आप को क्या कहा है? अच्छा बच्चा। ये जो पीछे ग्राउंड आप लोग देखे हैं यहाँ पर हम लोगों ने जो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है। लॉ मेट्स हैं इनकी, यहाँ पर जो है वो फेवरेट मेमोरी कौन सी थी जनाब आपकी, यहाँ पे फेवरेट मेमोरी कौन सी है हमारी? ये जगह पार्ट 3 से हम यहाँ पे टिकटॉक बना कर हम फेमस हुए हैं। ये जगह दिखाई है पीछे बैक, ये देखें ये खिड़की में हम अपना मोबाइल रखते थे। हाँ मुझे याद है ये स्टार्टिंग में यहाँ पर बनाते थे मोबाइल रख रख के हमने अपना ग्लास मोबाइल का तोड़ा। टिकटॉक बना के क्या फायदा हुआ एट दी एंड जो प्रोफेशन के अंदर ही आप लोगों ने जाना, लेकिन ये है कि टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता था यहाँ पे। हम फेम आपके सामने काफी लिया हमने, मतलब टिकटॉक से जो फेम ही मिल सकता है लेकिन जो टिकटॉक से तुमने कहा था वल्गैरिटी होती है उसका क्या कहने हो? हाँ वो ये है कि लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, एंजॉयमेंट तक ठीक है यार। देखो एंजॉयमेंट की चलो ठीक है, डांस तो आप लोगों ने भी किया हुआ है और कैसे कैसे सॉन्ग पे किया हुआ है यार। वो हमने अपने फ्रेंड्स के साथ जब फ्रेंड्स की जो गैदरिंग अच्छा होती है ना उनके साथ मिलके एक अलग बात है। एक लड़कियों को शो करवाना या ये वो एक अलग चीज है, वो नहीं होना जब लेकिन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म तो होता है ना आपके लिए। हाँ वो होता है लेकिन बंदे को खुद भी सोचना चाहिए ना कि यार ये चीज फहाशी ना फैलाएं। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है और टिकटॉक की वजह से फहाशी जो है वो ज्यादा फैली क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है ना उनकी जो गर्ल्स है वो भी जो है ना आउट ऑफ क्लास जो है ना जाने लग गई थी। नहीं होना चाहिए। क्लासमेट से जो पूछते हैं कि आपकी यहाँ पर जो है वो फेवरेट मेमोरी कौन सी है? हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे हमारी जो फेवरेट मेमोरी है वो हमारी पार्ट 2 में थी। हमने यहाँ पे वाटर डे बनाया था और ये पीछे आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो वाटर डे मैंने जो ग्राउंड का आपको बताया बनाया था और बहुत हमने अलग-अलग फन किया था। वो मेरी बेहतरीन मेमोरी, वो बहुत मजा आया था। और उस टाइम जो है ना तकरीबन हमारे जो सारे कपड़े थे जितने भी क्लासमेट थे सारों के कपड़े जो
ना गीले हो गए थे, ग्राउंड जो है ना तकरीबन पानी से सारी भर गई थी। एक हफ्ते तक पैंट की पॉकेट में से मिट्टी निकलती रही थी, तीन दिन गले में मिट्टी रही है। ओवर एक्टिंग की औलाद, ठीक है ये खतर है ना मिट्टी, इस वजह से जो है क्या ये वाटर डे जो मनाया है। अच्छा यार मुझे कोट भी नहीं पहना हुआ, मेरा जो कोट है ना वो भाई ने ले लिया है, तो भाई दिखाएंगे। अच्छा वो नहीं पहन के आया, ये कोट लिया कहाँ से है? ये यूरोप से, वो पैनोरामा नहीं, पैनोरामा। अच्छा आई विल एक्सप्लेन, ये बेसिकली मैंने भी और अहमद ने और दो तीन मेरे और दोस्त ने लिया शोल्डर शॉप से, और यू नो वेरी वेल शोल्डर शॉप इज वो बहुत फेमस ब्रांड है, आप लोगों को बताने की जब जरूरत नहीं है। शोल्डर शॉप यार मैं एक चैलेंज देने वाला हूँ अपने सारे लॉमेट्स को, जो मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर इन्होंने पूरे 5 साल के जो हमारे एग्जाम्स है उनके अगर सब्जेक्ट के नाम बता दिए तो 1000 रुपया अभी मैं दूंगा। सारे सब्जेक्ट के नाम बताने हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक 1000 रुपया मिलेगा, बता नाम। पॉलिटिकल साइंस। अच्छा सीआरपीसी भाई ये तो आखिरी साल का है, मैं कह रहा हूँ पार्ट मिक्स नहीं बताने, पार्ट 1 से लेके पार्ट एंड तक। इंग्लिश भी है नहीं, मतलब तुझे नहीं आता? नहीं। अच्छा इससे भी जो ना रिस्क लेके देखते हैं जनाब, आपको पता तो चल ही गया मैंने क्या ऑफर करवाई है, ना मुझे बता दो क्या क्या है। यार मैं नहीं चाहता, तो अपना 1000 रुपया। नहीं नहीं तुझे आता नहीं है ना, तुझे आता नहीं है, आता नहीं है, पैसे लगते हुए देख नहीं सकता मैं। ओए यार पैसे मेरे पैसे, वकील जो है वकील भाई का जो है साफ करता है भाई। आपको अगर 5 साल सब्जेक्ट्स के अंदर, 5 साल सब्जेक्ट कह रहा हूँ, 5 साल के अंदर जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके नाम बता दो। इंग्लिश, ये ठीक हो गया। पहले मैं इस्लामिया थी, अच्छा नहीं इस्लामिया सेकंड में थी, फर्स्ट में अरबिक किया थी। अच्छा और उसके बाद आ गया पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी सेकंड पार्ट के अंदर भी थी, वन में भी थी, में भी थी। हाँ। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में थी। अच्छा और यार पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, इसी बात पे पहले आप सब ये बताएं इस बंदे के पास 1000 रुपया। यार अगर मैंने 1000 रुपया दिखा दिया तो हो सकता है कभी 1000 रुपया है मेरे पास यार, ओ माय गॉड। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, अच्छा फीस भी 500 के नोटों में नहीं है यार, जितना ये सोच सोच के बता रहा है आधे घंटे में तो ये वीडियो खत्म हो जाएगी, मतलब इधर से भी जो है ना हार गया। लेकिन मुझे याद है सारे, इस वजह से कहते हैं कि जो है ना हम लॉ के स्टूडेंट जो है ना बहुत लेजेंड होते हैं, हम लोग एक साल अगर पढ़ लिया तो अगले साल जो है ना हमें वो सब्जेक्ट ही नहीं पता होता कि कौन कौन से थे। पहले साल में जो हमारी क्लास थी वो ये वाली क्लास थी, और ये जो है अब काफी ज्यादा जो है रेनोवेट हो चुका हुआ है, यहाँ पर जो है लाइटें बंद हुई है, यहाँ पर जो मैं तकरीबन इस सीट के ऊपर मैं बैठता था, यहाँ से जो है बहुत मज़ेदार व्यू जो पार्क का नज़र आ रहा था। और ये अकाउंटेंट का ऑफिस है हमारा, जो है यहाँ पर टेक शॉप है, और यहाँ से जो हम लोग चीज़ें वगैरह लेते हैं। हमारा यहाँ से एडमिन ऑफिस का जो रास्ता है, और ये हॉल है, यहाँ पर भी जो है ना वो क्लास होती है अब। और यहाँ पर जो है हमारे कोऑर्डिनेटर साहब जो है ना वो बैठते हैं, और ये है, और ये ट्रॉफीज वगैरह जो है हम लोगों ने यहाँ से जीती हुई है। ये स्टाफ रूम है, ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, और ये प्रिंसिपल का रूम है, और फाइनली यहाँ पर हमारे पूरे साल की जो फोटोज़ हैं वो फ्रेम की करके लगाई हुई हैं, और ये लाइब्रेरी है हमारी। ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये पहले भी दिखा चुका हूँ, और वहाँ से हम लोग जो है वो दूसरी साइड पर जाते हैं तो क्लास में रूम्स भी जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर हमारी कंप्यूटर लैब भी है। और अब बाहर चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारी ग्राउंड भी है जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, और हम लोग जब एंजॉय करते हैं गर्मियों में यहाँ पर ज़्यादा बैठने का जो मज़ा आता है, क्योंकि धूप निकली होती है और ग्रीनरी जो है वो ऑलवेज अट्रैक्ट यू। सो ये उस साइड से मैं एंटर हुआ था, ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया है, और ये जो है हमारी ग्रीनरी वगैरह है, और यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने कुछ खाया पिया है, और फाइनली अब हम लोग जो है वो फोटोशूट वगैरह किया है इस कॉलेज के साथ, और वहाँ पर जो है हमारी पार्किंग है के साथ बहुत सी जो है वो हमारी ज्यादा में बस्ता थी। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने कहा था कि मैं आप लोगों को क्राइटेरिया वगैरह बताऊँ कि लॉ में जो है वो एंटर होने के लिए क्या चीज़ें जो आप लोगों के रिक्वायरमेंट, सबसे पहली बात है कि आपके जो है वो 45% अबव मार्क्स जो है ना होने चाहिए इंटर के अंदर। उसके बाद जो है वो लैट का टेस्ट आप लोग देंगे, लैट का टेस्ट जो उसके अंदर आपके 100 out of 50 मार्क्स जो है ना आना ज़रूरी है। और लैट के टेस्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं वो ऐसे राइटिंग होती है, और साथ ही साथ जो है ना वो आपने एक प्रेसी वगैरह होती है जिसको आपने खुद से लिखना होता है कि व्हाई यू आर ज्वाइनिंग लॉ फील्ड। सो फाइनली अपने ब्लॉग का यहाँ पर करते हैं, आप सबके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद नब रखा।